वेल गाइज, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। बट आर यू राखी रेडी? चाहे आप इस राखी को वर्चुअली या फिर फैमिली और सिबलिंग्स के साथ में वीडियो कॉल्स के थ्रू सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन वो जो होता है ना विद इन काइंड ऑफ ग्लो, जिसको बोलते हैं फेस्टिव ग्लो, उसकी डिमांड हर किसी को होती है, राइट? सो इस वीडियो में मैं सबसे शेयर करने वाली एक सिंपल सा रूटीन, जिसमें होंगे 2 सिंपल से स्टेप्स जिनको फॉलो करके यू कैन हैव दैट फेस्टिव ग्लो, राखी ग्लो, राइट? क्योंकि गिफ्ट्स भी तो मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि मिनिमम मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ में कैसे आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं सिंपल सा 2-स्टेप इजी रूटीन टू हैव दैट फेस्टिव ग्लो, देन हम चलेंगे मेकअप पे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। नो मैटर वॉट, फर्स्ट स्टेप हैज टू बी क्लेंजिंग। तो या तो आप साफ धुले हुए फेस से स्टार्ट करो, या फिर मेरी तरह थोड़ी बहुत मेकअप के साथ में आ जाओ, सब चलेगा। सो आई एम प्लानिंग अ नाइट बिफोर, सो एज यू कैन सी आई हैव सम मेकअप हियर एंड देयर ऑन माय फेस, तो मैं इसको अच्छे से रिमूव करने वाली हूँ। सो मेकअप को रिमूव करने के लिए आई एम गोना बी यूजिंग गार्नियर मिसलॉ क्लेंजिंग वाटर। सो आई हैव दिस कॉटन पैड योर, हल्का सा इस पर डाल दूंगी बस। सो अब मैं इसको वाइपिंग मोशन में निकाल लूँगी। यू सी दैट, मतलब काफ़ी हद तक अच्छा खासा मेकअप मेरा निकल गया है एक ही बार में। ऑल्सो आई लाइक द फैक्ट कि नो रिंस फॉर्मूला है, तो आपको वॉश की भी जरूरत नहीं है एज एन, लेकिन मैं आज करने वाली हूँ बिकॉज राखी ग्लो की बात हो रही है। एंड देन जस्ट डू योर रूटीन स्टफ एंड स्लीप। डू यू सी दैट कितना क्विकली मेकअप रिमूव हो गया है। ऑल्सो इस ग्लो अप रूटीन का जो सेकेंड स्टेप है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, वो हम करने वाले हैं कल मेकअप से जस्ट 15 मिनट पहले। सो स्टे ट्यून्ड। Now to have that healthier and brighter looking skin, plus to add a festive glow, all you need is just 15 minutes before you start your makeup. अब वो step क्या है? I'm using Garnier Serum Mask, और जो मैंने variant pick किया है, this one is Hydra Bomb. So this is super hydrating replumping tissue mask. इसको सिर्फ 15 minutes के लिए लगाना है। ये क्या करेगा? मेरी skin को ना super intense hydrate करेगा, जिससे ना makeup और भी अच्छा सा दिखेगा, because skin prep हो चुकी है। Whenever I run out of time या फिर travel time पे, तो become super handy. एस बस खोलो और लगा लो। वेल द पैकेजिंग इज क्वाइट अट्रैक्टिव, एंड इसमें जो शीट होती है ना, वो वाटर बेस्ड सीरम से ना सोक्ड होती है, लाइक यू कैन सी इट हियर। सो जस्ट यूज इट दिस वे। एप्लीकेशन पे आपको ना कूलिंग इफेक्ट लगेगा, विच इज़ रियली 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 गुड, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगी वेन इट्स ऑन। इसको आपको रखना है 15 मिनट्स के लिए, एंड जो लेफ्ट ओवर सीरम रह जाता है ना पैकेट में, उसको मैं अपने हैंड्स पे अप्लाई कर देती हूँ। आई एम श्योर आप भी ऐसा ही करते होंगे, बिकॉज वेस्ट करना ही क्यों। ओके, सो जब तक ये मास्क लगा हुआ है, एक बार देख लेते हैं इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, प्लस ये काम करेगा तो करेगा कैसे। सो आई कैन सी इसमें है पोमेग्रेनेट एंड हाइलुरोनिक एसिड, जो कि डीप हाइड्रेशन देने वाला है स्किन को। इससे मॉइस्चर भी रिस्टोर होता है, एंड फील्स रियली 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 कामिंग एंड वेरी रिलैक्सिंग। ये वाली फीलिंग ना बहुत ही परफेक्ट है। आई रिमूव द मास्क आफ्टर 15 मिनट्स, एंड तब भी इट वॉज स्टिल डैम्प, और मेरी स्किन वॉज मॉइस्ट एंड फुल ऑफ सीरम, लाइक बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई कुड फील दैट इफेक्ट ऑफ बेबी सॉफ्ट स्किन, मतलब इतना प्लम्पिंग इफेक्ट आ गया था मेरी स्किन में राइट आफ्टर रिमूव माई मास्क। और सीरम लगा हुआ था ना, तो मैंने इसको छोड़ दिया तकरीबन 8-10 मिनट के लिए, ताकि वो खुद ही अपने आप मेरी स्किन में सोख हो जाए। और आप हल्के हल्के से ना, बिल्कुल हल्के हल्के से ऐसे पैट भी कर सकते हो। सो सीरम ड्राइज राउंड मैट इन अबाउट 8-10 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एंड हैवी और स्टिकी भी बिल्कुल नहीं लगा फेस पे स्किन पे, एंड आई कुड फील कि मेरी स्किन किसी से सॉफ्ट सफल और प्लम्प हो गई है। एंड डू यू सी दैट ग्लो, मतलब यही तो चाहिए था मेकअप स्टार्ट करने से पहले और राखी आने से पहले। तो जब भी आप मेकअप करो, तो अपनी स्किन प्रेप बहुत अच्छे से करो, बिकॉज इससे आपकी स्किन भी नेचुरली ग्लोइंग लगेगी, प्लस आपका मेकअप भी ना बहुत ही अच्छा बैठेगा। वेल अब ये कर लिया ना, तो आई एम सॉर्टेड फॉर अ वीक नाउ, बिकॉज अब जैसे तीज भी आ रही है, तो बार बार मास्क लगाने का तो झंझट ही नहीं। और ऊपर से जब ऐसे बैक टू बैक ओकेजन आते हैं, या फिर पार्टीज आती हैं, या फिर डेट पे जाना होता है, तो आई प्रेफर यूजिंग सीरम मास्क, क्योंकि ये रिस्टोर करते हैं आपकी स्किन में मॉइस्चर एंड ग्लो को फॉर अप टू 1 वीक। और वीकेंड पे तो एक बार लगा ही देना चाहिए आपको भी, बिकॉज मैं भी ट्राई करती हूँ, रिलैक्सिंग तो बहुत ही होता है। एंड नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द मेकअप पार्ट। वेल स्टार्टिंग विद द कंसीलर, मैं इसको अंडर आई एरिया पे, ब्रिज ऑफ नोज पे, हल्का सा फॉरहेड पे, और पिगमेंटेशन अराउंड माई माउथ एरिया वहाँ पे लगा दूंगी। एंड देन यूजिंग अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर, मैं इसको अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड कर लूंगी। मैटिफाइंग लुक के लिए आई एम यूजिंग सम पाउडर। वेल डिफाइंड ब्राउज किसको पसंद नहीं होती, सो आई एम यूजिंग माई फेवरेट ब्राउ पाउडर, और इसको मैंने एंगुलर ब्राउ ब्रश पे लिया है। ये जो स्पार्स एरिया होंगे, गैप्स होंगे, उनको अच्छे से फिल कर लूंगी, एंड यू कैन सी द डिफरेंस। मिनिमम मेकअप प्रोडक्ट्स की बात चल रही है, तो यहाँ पे हम ब्लश को ही एज अ आई शेडो यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैंने लिया है पीची पिंक ब्लश, और इसको एज अ ट्रांजिशन अच्छे से लगा लूंगी, एंड देन अच्छे से आपको उसको ब्लेंड करना है। जब आंखों पे ब्लश अच्छी तरीके से एज अ आई शेडो लग जाए, उसके बाद में हल्का सा आपने अपर ऑफ चीक्स पे भी लगा दो फॉर दैट नेचुरल फ्लश ऑफ कलर। आफ्टर दैट मैंने लिया है काजल, और इसको एज
एज अ लाइनर ड्रॉ करूंगी सबसे पहले, और उसके बाद में हल्का हल्का सा इसको स्मच कर दूंगी, सो दैट वो स्मोकी इफेक्ट क्रिएट हो. मतलब लाइनर भी लग रहा है लेकिन काजल से. अच्छे सारे कोट्स ऑफ मस्कारा से कंप्लीट होता है हमारा आई मेकअप. डू यू सी दैट? आई एम क्वाइट लाइकिंग इट. यहाँ पे मैंने यूज किया है थोड़ा सा हाइलाइटर विच ऑफ माई नोज, चिन, क्यूपिड्स बो और हल्का सा फॉरहेड पे, और हल्का सा मैं ब्राउ बोन के ऊपर भी हाईलाइट कर लूंगी. लिपस्टिक के लिए मैंने कुछ एक कॉम्बिनेशन बनाया था. सबसे पहले मैंने अपने लिप्स को आउटलाइन किया यूजिंग अ लिप लाइनर, एंड देन मैंने लिप्स को फिल किया यूजिंग अ न्यूड लिपस्टिक. बिंदी तो लगाना बनता ही है, फेस्टिव लुक जो क्रिएट किया है हमने. एंड लास्टली आई कंप्लीटेड द लुक विद दीज कर्ल्स. ड्रेस से मैचिंग और मेरे फेवरेट झुमके मैंने यहाँ पे पहन लिए, एंड दैट्स अबाउट इट. सुपर नेचुरल लुक, देखा कितना ईजी था. अभी तक देखने के लिए शुक्रिया. दैट्स ऑल आई हैव इन दिस वीडियो गाइस. आई होप आपके लिए वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा. जो भी सारे प्रोडक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं ना, चाहे टू स्टेप इजी रूटीन में या फिर आउटफिट डिटेल्स, विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ऑल्सो गाने के शीट मास्क का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. एंड ऑल्सो लेट मी नो आपको कौन सा वेरियंट उसका ज्यादा ट्राई करना अच्छा लगता है. आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन खुद से ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए, वीडियो की हेल्प से राखी रेडी हो जाइए, और ये भी याद रखिए, आई लव यू ऑल सो मच. बाय एंड हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन.